दिन ओवैसी जो है AIMIM के सुप्रीमो आ गए हैं भाषण देने के लिए, और डुमरी में जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। अब वो भाषण शुरू कर रहे हैं डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी इज्जतदार माओ और बहनों, कौम और मिल्लत के तमाम बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहम्मद शाकिर साहब, जनाब मौलाना मुबीन रजवी साहब, जो इस बाय इलेक्शन के डुमरी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मंच पर बैठी हुई हमारी इज्जतदार माँ और बहन, जो अभी बात आपने 2019 में जो हमको वोट दिया, आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह तमाम सलामत रखे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 5 सितंबर को जो दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, आप तमाम लोग जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग छाप है, पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए और इस विधानसभा के विकास के लिए, इस विधानसभा में गरीबों और मजलूमों की विकास के लिए, झारखंड की कमजोर और मजलूम आवाम की इंसाफ के लिए एक आवाज को आप झारखंड के विधानसभा में भिजाइए। आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब तक आप अपने वोट से मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद पैदा करके आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, याद रखिए मेरी इस बात को कि आपसे कभी इंसाफ नहीं होगा। आपके गांव में, आपके विधानसभा में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए हैं और हमारे वोट डालने से हमसे इंसाफ होगा, हमारे वोट डालने से जिस तरह हजारीबाग में अशफाक खान को मार दिया गया उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज आए दिन झारखंड में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया जाता है, वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात का आप यकीन कर लो, ये उसी वक्त रुकेगा जब आपके लिए लड़ने वाला कोई एक MLA होगा जो झारखंड में जहां कहीं भी किसी गरीब आदिवासी मुसलमान या दलित पर जुल्म होगा, वो दौड़ता हुआ उस पीड़ित परिवार के दरमियान में पहुंचेगा, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, याद रखिए ये जुल्म जारी और सारी रहेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर यह कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाती हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर
अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में तुम्हारी पुलिस के पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई तो फिर सिकनी गांव में रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मार कर उड़ कर चले गए? शमशाद अंसारी वाले इसी जमीन